सिवनी जिले में न्यूज कवरेज करने पहुंचे पत्रकार पर आरोपियों ने तलवार और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पत्रकार जुनेद सानी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिवनी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरोगंज इलाके में चलाए जा रहे जुआ और सट्टा की न्यूज कवरेज करने पहुंचे पत्रकार जुनेद सानी पर जुआ और सट्टा संचालक लता कुल्हाड़े और उसके 5 साथियों ने तलवार और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में पत्रकार जुनेद सानी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जुनेद को सर में गंभीर चोटें आई हैं। कल लगभग 9:30 बजे मुझे जानकारी लगी थी कि लता कुल्हाड़े के यहाँ पर जुए और सट्टे का काम चल रहा है, काफी भीड़ थी। तो मैं खबर कवरेज करने भैरोगंज गया, मतलब जलसागर तालाब के पीछे खबर कवरेज करने गया। तो वहाँ मैं कैमरा और मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तभी अचानक लता कुल्हाड़े के साथ 4 से 5 लोग थे जिन्होंने तलवार से और लोहे की राड से मेरे पर हमला किया। तो उसमें सर में चोट आई और थोड़ा सा हाथ में चोट आई और थोड़ा सा वहाँ पर मैं गिर गया। गिरने के बाद फिर मेरे साथ एक दो जो लड़के थे उन्होंने मुझे उठा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सट्टा खून लता कुल्हाड़े सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक महिला है जो सट्टे का काम करती है काफी वर्षों से और उसके काफी अपराध हैं और उसका अभी पुलिस द्वारा जिला बदर की कार्रवाई भी की जा रही है और जो प्रकरण कलेक्ट्रेट सिवनी में लंबित भी है ये प्रकरण। और इसी महिला के सट्टा लिखने की खबर के दौरान यहाँ के स्थानीय पत्रकार जुनेद सानी सिवनी के वहाँ पर कोई उनका खबर के उद्देश्य से वहाँ पर गए थे और उस महिला सटोरिया के द्वारा उन पत्रकार पर हमला किया गया है जो पुलिस द्वारा अपराध दर्ज किया गया है और मामला विवेचना में लिया गया है। महिला के साथ पत्रकार महोदय के द्वारा बताए जुनेद पत्रकार के द्वारा बताए अनुसार महिला के साथ उसका पति और उसका पित्र भी इस घटना में शामिल थे, उसको तो उन पर अपराध दर्ज किया गया है, विवेचना में लिया। सिवनी जिले में पुलिस की निष्क्रियता के चलते सट्टा का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है और पुलिस कार्यवाही करने का दिखावा करती रहती है। सिवनी से संजीव प्रिया की रिपोर्ट।